गुड इवनिंग एवरीवन। बस नेहा देसाई, योर फेवरेट लाइक स्पोर्ट्स टीचर। हाँ सो टुडे वी आर मेकिंग पेंटिंग विद क्यूटिस। ओके एंड वी आर यूजिंग फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स। वी आर यूजिंग ब्लैक शीट। इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज कैनवस बोर्ड, यू कैन पेंट दैट कैनवस ब्लैक, एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक ऑन वाइट एज वेल, सो द इफेक्ट विल बी डिफरेंट। ठीक है, एंड जस्ट शेयर द नंबर ओवर हियर। ठीक है, मैंने अपना फोन नंबर यहाँ पर लिखा है व्हाट्सएप। इसके ऊपर जो भी आप सब आर्टिकल बनाते हैं, प्लीज शेयर योर आर्टिकल पिक्चर। ठीक है, वंस आई विल गेट द पिक्चर फिर मैं आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगी। दीज आर फ्री क्लासेस, और ये फेविक्रिल की तरफ से फ्री क्लासेस हम आपको दे रहे हैं, एंड दीज आर रियली इंटरेस्टिंग क्लासेस। यू विल लर्न अ लॉट इन दीज। ठीक है, तो अब हम लेट मी वेट फॉर लाइक 1 or 2 मिनट। ठीक है, सो दैट लेट मी सी, लेट मी वेट फॉर अदर पीपल टू ज्वाइन इन, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। हम जो पेंटिंग कर रहे हैं, मेनली वी आर यूजिंग क्यूटिप। ठीक है, हम ब्रश इसके अंदर बहुत कम यूज करेंगे, मेनली इन स्टेम। ऑलराइट, and we are using Fevicryl acrylic colors. So let's wait for like 2 to 3 minutes, okay, so that everybody to log in. Okay, and then we will start. So we are working on this sheet. I hope this sheet is completely visible. Okay, fine. Just give me a thumbs up so that I will get to know whether it is visible or not. And with Q-tip, brush, acrylic colors, this black sheet, we need this toothpick also. You can take small toothpick, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको big वाली toothpick लेनी है। ठीक है, मेरे पास big वाली थी तो मैंने big वाली ले ली, आप small toothpick आप ले सकते हो। तो अब हम start करते हैं। ठीक है, first of all हमें I'm taking green color. मेरे पास दो ग्रीन कलर्स हैं एक्रेलिक के। ठीक है, सो वन इज लाइट ग्रीन एंड द अदर वन इज टैप ग्रीन। सॉरी, इट्स नॉट विजिबल। ठीक, वन इज लाइट ग्रीन एंड द अदर वन इज टैप ग्रीन। ठीक है, तो हम दोनों कलर्स को यूज करेंगे। सबसे पहले हम स्टेम्स इसके स्टेम्स बनाएंगे। सो आई जस्ट टेक कलर इन द ब्रश। इफ यू वॉन्ट आप पैलेट के अंदर कलर आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं, देन यू कैन यूज। ओके,
हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रैंडम, हमें आई एम जस्ट मेकिंग 4 to 5 स्टेम्स, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, जस्ट मेक फ्यू लाइन्स, सम बिग लाइन्स, सम स्मॉल लाइन्स, ठीक है। ऐसे हमें रैंडम स्ट्रेट लाइन्स बनानी है, कोई थिक लाइन आएगी, ठीक है, तो आप ऐसे करके लाइन्स बना सकते हैं, सम स्मॉल, कुछ स्मॉल लाइन्स हैं, कुछ बिग लाइन्स हैं, ऐसे, ठीक है। देन अब ये जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाले एरिया के ऊपर हमें क्या करना है, सबसे पहले वी विल डू द इफेक्ट लाइक दिस, वी विल टेक दिस ब्रश, मैंने राउंड ब्रश लिया है, नीचे से ऊपर आई जस्ट मेक दीज लाइन्स, मैंने ब्रश के अंदर कलर लिया है, तो कुछ लाइन्स बिग आएंगे और कुछ लाइन्स स्मॉल आएंगी, सो आई एम जस्ट कवरिंग द शीट बिग और स्मॉल लाइन्स। डू नॉट वरी, अगर देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, सो दैट्स ओके, हम इसको भी बाद में कवर कर देंगे, ठीक है। सो वी आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप, सो अभी आई एम जस्ट मेकिंग सम लाइक दिस, ऐसे हमें पूरी शीट जो है, अगर आप कैनवस पर कर रहे हैं आप इसी से, इफ यू वॉन्ट आप अपनी डायरीज डेकोरेट कर सकते हैं, आप कार्ड बना सकते हैं, so this is very simple easy way to decorate it, like this, नॉट वेरी। आप ऐसे रैंडम लाइन्स लगाइएगा, कुछ लाइन्स जो है आपकी वो बिग बनेंगी और कुछ स्मॉल बनेंगी, कुछ थिक आएंगी और कुछ थिन बनेंगी, सो दैट्स ओके, ठीक है। क्योंकि जब भी हम ग्रास बनाते हैं तो ग्रास तो सेम साइज की नहीं होती है ना, तो हम वही बना रहे हैं कि डिफरेंट साइजेस की होगी, कुछ बिग होगा कुछ स्मॉल होगा, एंड वी आर नॉट यूजिंग पेंसिल, एज ए टोल्ड यू कि मैं ज़्यादातर जो पेंटिंग आपको करवाती हूँ वो फ्री हैंड होती है, जिसके अंदर आपको मेनली पेंसिल की ज़रूरत ही नहीं रहती है, आप ब्रश से यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द कलरिंग, ठीक है। अब हम बीच बीच में कहीं कहीं लाइन्स लगा रहे हैं, कुछ बिग कुछ स्मॉल, लाइक दिस, ठीक है। अभी हमने लाइट कलर लिया था, नाउ आई एम टेकिंग डार्क ग्रीन, सो दैट इज सैप ग्रीन, सैप ग्रीन को हम क्या करेंगे, जो हमने स्टेम्स बनाई थी ना, सबसे पहले स्टेम्स के ऊपर भी हम ऐसे रैंडमली थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं सैप ग्रीन को लगा देंगे, ओके, लाइक दिस। इससे क्या होता है, एक नेचुरल इफेक्ट आ जाता है, आपके सिर्फ एक ही कलर के स्टेम नहीं होंगे, आपके टू कलर्स आ जाते हैं। इफ यू वॉन्ट आप इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर आप यूज कर सकते हैं, येलो का टेंट दे सकते हैं। अब जो हमने नीचे इसकी ग्रास बनाई है, ग्रास के अंदर भी हमने थोड़ा थोड़ा हम लोग सैप ग्रीन ले रहे हैं सेम ब्रश से, आई एम नॉट चेंजिंग ब्रश और ना ही मैंने ब्रश को वॉश किया है, ठीक है। सेम ब्रश से हम इसको ऐसे इसकी भी रैंडम कहीं कहीं लाइन्स लगा रहे हैं। डार्क जो हमने सैप ग्रीन हम लोग यूज कर रहे हैं उसका हमें बहुत ज्यादा नहीं करना, लाइक लाइट ग्रीन तो हमने बहुत ज्यादा पूरे में फिल किया था, जो सैप ग्रीन है उसको हम लोग बहुत कहीं कहीं हम उसको यूज कर रहे हैं, लाइक दिस, ओके। नाउ एज आई टोल्ड यू कि जब हम शीट पर वर्क करते हैं, जब हम लाइंस लगाते हैं अपने कैनवस पर या शीट पर या कुछ भी हम बना रहे हैं, तो नीचे क्या होता है ना, ये देखिए, कैन यू सी, यहाँ पे प्रॉपर एक नीटनेस नहीं आती है ना, ऐसा सबके साथ प्रॉब्लम आती होगी। अब हमें इसको क्या करना है, वी विल सिंपली डू द डैबिंग इफेक्ट, हमारे पास जो कलर हम यूज कर रहे हैं सेम कलर डार्क और लाइट ग्रीन से, वी विल सिंपली टेक द ब्रश एंड वी विल डू द डैबिंग लाइक दिस। तो ये क्या होता है, जो हमारी बुशेज हैं, जो बुशेज हमने बनाई है और जो स्टेम्स बनाई है वो सब कवर हो जाती है लाइक दिस, और क्या होता है हमारा ये सब नीचे से वो शीट भी अलग से विजिबल नहीं होती, जस्ट सी द डिफरेंस, आई होप इट इज विजिबल,
ऐसे रखती हूँ तो ज़्यादा विजिबल होगा आपको, ठीक है? सो आई एम डूइंग द डैबिंग इफेक्ट लाइक दिस। इससे क्या होता है, हमारा जो भी हमने वर्क किया है ना, वो और ज़्यादा नीट लगता है। लाइक दिस हम इसको पूरी शीट जो हमने बनाया अपना आर्टिकल हम पूरा कवर कर देंगे लाइक दिस, ठीक है? कहीं कहीं आप बीच में थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं लाइक दिस, कहीं कहीं पर आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। सेम, दिस इज कम्प्लीटली योर विश, आप जितना उसको डैबिंग इफेक्ट देते हैं वो उतना ज़्यादा सुंदर लगता है। नाउ वी जस्ट लेट इट ड्राई, हम थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, ठीक है? बिकॉज अब हमें जो वर्क करना है वो हमें स्टेम्स के ऊपर वर्क करना है, ठीक है? सो फॉर दिस वी विल नीड क्यू टिप्स। क्यू टिप्स आप ईयरबड्स जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। अब कलर्स इसके अंदर इट्स कम्प्लीटली योर विश, आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप लेना चाहते हैं। अब ये ब्लैक है, ब्लैक के साथ अगर मैं ज़्यादा डार्क कलर्स लेती हूँ ना, तो ब्लैक के साथ बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ब्लैक के साथ हम थोड़े से जो लाइट शेड्स है ना हम वो लेंगे, सो दैट जो भी हम अपनी पेंटिंग बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाए, वो और ज़्यादा सुंदर लगे, ठीक है? इनकेस आपको नहीं समझ आ रहा है आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में, अदरवाइज आप मुझे थम्स अप करते जाइए, आप मुझे कमेंट्स में बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? नहीं कुछ समझ आ रहा मुझसे बीच में पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। आई होप यहाँ तक अभी सबको समझ आ गया है। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक क्यू टिप, ठीक है? एंड आई एम टेकिंग दिस सैल्मन पिंक, आई एम यूजिंग सैल्मन पिंक। और सैल्मन पिंक से लेट मी शो यू कि हमें करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट टाइम, ठीक है? मैंने क्यू टिप के ऊपर कलर लगाया, आई जस्ट डिप इट, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, जस्ट आपने एक बार डिप कर देना है, ठीक है? उसके बाद मैं एक बाउंड्री क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है? तो एक बाउंड्री के अंदर आई एम मेकिंग वन ट्राइंगल। अब जो मैं ट्राइंगल बना रही हूँ, जस्ट सी स्टार्टिंग से मैं टिप से शुरू करूँगी और स्टेम तक लेकर आऊँगी, ठीक है? बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप स्टेम के ऊपर कलर नहीं लगाएंगे। सो लेट मी शो यू कि मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है? मैंने सिर्फ एक ही बार क्यू टिप के अंदर अब भी कलर लिया था, ठीक है? और उसी से मैंने पूरा एक ट्राइंगल शेप बना दिया, ठीक है? नीचे से थोड़ा राउंड में है, ऊपर से पॉइंटेड है, ठीक है? सो इट्स अ टीयर ड्रॉप, आइडियली टीयर ड्रॉप हमने बनाकर उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा हमें फिर से क्यू टिप के अंदर कलर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे आप, क्योंकि हम जो पेंटिंग बना रहे हैं ना, इस पेंटिंग के अंदर ना इफेक्ट ज़्यादा अच्छा सिर्फ तब आता है जब वो कहीं पर डार्क और कहीं पर लाइट होगा। अगर वो सब जगह ही डार्क आ जाएगा ना, तो वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा, ठीक है? तो आपने कलर लिया, और अब आपने जो क्यूटिप पे ऊपर कलर लिया ना, ट्राई करेगा उसी कलर से आप पूरे को आप फिल कर देंगे। अब आप दोबारा दोबारा क्यूटिप पर कलर नहीं लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमें डार्क और लाइट दोनों इफेक्ट चाहिए। तो रैंडमली मैंने कहीं कहीं लगाना है, जो मैंने बाउंड्री क्रिएट करी थी ना, उसी बाउंड्री के अंदर अंदर मुझे कलर करना है। एंड वन थिंग अगेन आई एम टेलिंग यू कि मुझे स्टेम के ऊपर कलर नहीं करना है, तो आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक दिस। अगर आपको ये लगता है बीच में कि आपका डिजाइन थोड़ा ज्यादा बिग है एंड यू नीड कि आपको थोड़ा सा कलर आपको क्यूटिप पर लगाना है, तब थोड़ा सा फिर से कलर आप क्यूटिप पे ले सकते हैं, ठीक है? बट मैं कलर नहीं लूंगी बिकॉज मुझे थोड़े पेस्टल कलर्स पसंद आते हैं, ठीक है? और इस वाले जो मैं आपको पेंटिंग करवा रही हूँ, पेंटिंग विदाउट ब्रश, इसके अंदर ये इफेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है कि
लाइट डार्क दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। बहुत ज्यादा डार्क कर देते हैं ना तो वो ज्यादा अच्छा लगता नहीं है। लाइक दिस, ठीक है। मैंने देखो स्टेम के ऊपर कलर नहीं किया है ना, सिर्फ जो मैंने पैटर्न लिया था टीयर ड्रॉप का, सिर्फ टीयर ड्रॉप के अंदर ही किया है, लाइक दिस, ठीक है। अब सेम कलर मैं आई टेक अनदर, मैं एक यहाँ पर भी बना देती हूँ। इट्स कम्प्लीटली ऑब्वियस कि अब आप सभी में डिफरेंट कलर्स करना चाहते हैं यूज या सेम कलर करना चाहते हैं, सो दिस इज कम्प्लीटली योर विश। सेम थिंग इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्मॉल बना रही हूँ। स्टेम के ऊपर कलर नहीं करता ना तो वो ज्यादा मतलब अच्छा लगता है। अगर आप स्टेम को भी कवर कर दोगे ना तो वो इतना अच्छा इफेक्ट आता नहीं है, डिफरेंट लुक आ जाएगी। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज आप करोगे तो वो सुंदर नहीं लगेगी, नहीं, कुछ भी आप कलरिंग करते हो दैट्स कम्प्लीटली ऑब्वियस कि आप उसको देखो। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शेप चेंज किया था, मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक टीयर ड्रॉप बनाया स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर मैंने टीयर ड्रॉप ही बनाया बट ऊपर से थोड़ा सा उसको मैंने कर्व दे दिया, तो उससे क्या हो गया एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको भी एक स्ट्रेट में बनाती, मैंने एक डिफरेंट लुक दे दिया। सिमिलरली आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बार बार आपको कलर नहीं लेना है क्यूटिप में, जितना क्यूटिप के अंदर कलर है एक आप एक बार लीजिएगा, उसके बाद मैक्सिमम आपको सेकेंड टाइम लेना है। ज्यादा कलर मत लेना, ज्यादा लोगे तो वो इतना सुंदर लगेगा नहीं, क्योंकि फिर तो वो ब्लैक ब्लैक जो इसके अंदर इफेक्ट दिख रहा है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड कलर आई एम टेकिंग, दिस इज स्टील ब्लू। स्टील ब्लू कलर भी बहुत ही सुंदर लगता है। डार्क हमारा बेस है तो इस डार्क बेस के साथ आई एम टेकिंग लाइट शेड। तो इस स्टील ब्लू के अंदर लेट मी मेक अ सर्कल, ठीक है। हम एक सर्कल बना लेते हैं तो एक डिफरेंट हमारा पैटर्न आ जाएगा लाइक दिस, एंड देन अगेन दिस डैबिंग थिंग। मैंने जिस एक ही बार मैंने कलर लिया था उसी से सर्कल बनाया है और उसी क्यूटिप से मैंने इसके अंदर फिलिंग कर दी, मतलब मुझे दोबारा कलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एज आई टोल्ड यू कि आप जितनी बार कलर लगाओगे ना वो उतना डार्क हो जाएगा, डार्क बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। जितना लाइट लाइट रहता है ना, डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन ही उतना ही सुंदर लगता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारी टू शेप्स आ गई। अब सिमिलरली आई कैन यूज द सेम कलर, मैं यहाँ पर एक सेम कलर ले लेती हूँ। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि मुझे सर्कल में ही बनाना है, आई कैन अगेन मेक अ टीयर ड्रॉप, ठीक है। मैं एक और टीयर ड्रॉप ले लेती हूँ। बाउंड्री आप हमेशा पहले क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाउंड्री पहले क्रिएट कर लेते हो ना फिर आपको इजी हो जाता है। अगर आप बाउंड्री क्रिएट नहीं करोगे ना तो आपका कलर आप कहीं पे भी बाहर कहीं पर भी आप डैबिंग कर सकते हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सबसे पहले आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करें कि आपको कहाँ पर आपको वर्क करना है। और जब भी आप क्यूटिप पर अगर आप डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं, देखिए मैंने जब पिंक यूज किया था सैल्मन पिंक तो मैंने वन एंड यूज किया था, सेकंड कलर के लिए मैंने सेकंड एंड यूज किया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कलर मिक्सिंग कर दोगे ना तो क्या होता है कि अब अगर पिंक को और ब्लू को आप मिक्स कर दोगे तो वो एक डिफरेंट कलर आ जाएगा, ठीक है। वो प्रॉपर पिंक और ब्लू तो नहीं रहेगा ना, वो कलर मिक्स हो जाता है तो वो कलर मिक्सिंग अच्छी नहीं लगती है, लाइक दिस। ऐसे ऐसे करके हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, नाउ अब मेरे पास टू स्टेम्स और है। अब इन टू स्टेम्स के अंदर आई यूज वन मोर कलर, सो लेट मी यूज येलो। येलो भी बहुत ही ब्राइट एक शेड आता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ओके, आई एम यूजिंग क्रोम येलो। तो अब क्रोम येलो में इसके लिए मैं एक डिफरेंट क्यूटिप ले रही हूँ, बिकॉज यहाँ मैंने पिंक से किया था
यहाँ मैंने टील ब्लू किया था, अब मुझे येलो यूज करना है, तो मैं फॉर येलो आई एम यूजिंग अ डिफरेंट स्यूटर, ठीक है। आप इसके अंदर एक डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू कि शेप्स आपकी मर्जी, आप जो भी शेप बनाना चाहते हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले एक एस शेप दिया, ठीक है, फिर उसका ऑपोजिट में दे दिया। इन पेंटिंग इट्स ऑल योर क्रिएटिविटी, आप जैसा करना चाहते हैं, जितना आपको जो डिजाइनिंग करनी है ना, आप वैसा बना सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ये ट्राई करिएगा कि जब भी आप पेंटिंग बनाते हो ना, हमेशा इस चीज को ट्राई करो कि आप एग्जैक्ट मत बनाओ, जो किसी ने बनाया है ना उसको एग्जैक्ट मत बनाओ, अपनी क्रिएटिविटी जरूर यूज करो कि थोड़ा सा डिफरेंट ना, अपने आइडियाज उसके अंदर आप जरूर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। फिर ना क्या होता है कि जो पेंटिंग होती है ना वो और सुंदर लगने लग जाती है। अब मैंने जो चीज बनाई है, ठीक है, आप इसको देखो कि मैं कैसे बना रही हूँ, बट ट्राई करना कि आप इसे थोड़ा सा डिफरेंट ही बनाओ। ठीक है, अब मैं सेम क्रोम येलो आई एम टेकिंग, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर भी एक टीयर ड्रॉप ही बना देती हूँ, स्मॉल टीयर ड्रॉप। अगर आपको लगता है कि आपको कलर की और रिक्वायरमेंट है, आप बीच में थोड़ा सा कलर अपने क्यू टिप पर ले सकते हैं एंड देन डू द सेम थिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा कलर मत लगाना कि वो जो ब्लैक वाला इफेक्ट है वो नजर ही नहीं आए, ठीक है। ऐसे करके हमें ये कंप्लीट कर देनी है। इसके बाद हमें क्या हमें यूज करना है, व्हाइट कलर, ठीक है। आई एम यूजिंग व्हाइट एक्रेलिक। मैंने आपको बोला था कि अब हमें टूथपिक की भी जरूरत है, ठीक है। अब टूथपिक के लिए हम व्हाइट एक्रेलिक यूज कर रहे हैं विथ टूथपिक। सो इफ यू वांट आप इसको थोड़ा सा पैलेट में ले सकते हैं, इफ यू वांट आप कैप में ले सकते हैं, इफ यू वांट आप डायरेक्ट भी शेक करिएगा पहले बॉटल जब भी आप यूज करते हैं, और फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कैप से इसको यूज कर रही हूँ। ये अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको यूज कैसे करना है टूथपिक को, ठीक है। हमें सबसे पहले ना इसका बैक साइड लेना, ठीक है। बैक साइड से मुझे क्या करना है, मैंने अच्छे से क्यू टिप सॉरी अच्छे से मुझे इसको डिप करना है लाइक दिस, ठीक है। आप देख रहे हैं ये टूथपिक अच्छे से डिप होना चाहिए, अच्छे से इसके ऊपर कलर लगना चाहिए, और एक बार आप कलर लेंगे और फिर एक बार इसको डॉट लगा देंगे लाइक दिस, एक परफेक्ट डॉट आता है, ठीक है। और एक बार ही इसको यूज करिएगा, उसके बाद फिर दोबारा कलर में आपने डिप करना है एंड देन डॉट, ऐसे, ठीक है। ये नहीं करना है कि आपने एक बार इससे किया और फिर 3-4 डॉट्स लगा दिए और फिर नहीं, उससे क्या होगा ना, फिर वो कभी भी आपके परफेक्ट आपके डॉट्स नहीं लगता है। अगर हमें परफेक्ट डॉट चाहिए तो हमें हर बार करल रहना है एंड देन डू दिस, और आराम से आप रखेंगे। ये नहीं करना है कि क्या होता है ना, कई बार हम जल्दी जल्दी में ना फटाफट 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 डाब 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 कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आपका ना कलर खराब हो जाता है, ठीक है। तो जहां पर भी अब हमें दिख रहा है ना ब्लैक कलर, वहां पर हम इसको कहीं कहीं पर इसको व्हाइट के डॉट दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारी पेंटिंग है ना वो और ज्यादा सुंदर लगने लग जाती है। ऐसा टोल्ड यू कि ब्लैक के ऊपर जब भी आप वर्क करते हो
ठीक है, उसके ऊपर हमेशा यही ट्राई करो कि आप ब्राइट कलर्स यूज करो, मतलब ब्लैक के ऊपर लाइट कलर्स यूज करते हो ना तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप डार्क कलर्स यूज करते हो तो वो सुंदर लगेगी पर बहुत सुंदर नहीं लगती है। लाइक दिस, ऐसे करके हमें इसको पूरा कंप्लीट कर देना है। तो ये ऐसे कंप्लीट होने के बाद दिस विल बी द लुक। तो लेट मी शो यू क्लियरली, थोड़ा और पास से आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। एंड इफ यू वांट, अभी मैंने क्या किया था कि जो मैंने टूथपिक लिया था ना उसकी बैक साइड से किया था डॉट, एंड इफ यू वांट आप उसके फ्रंट साइड से भी, उसके टिप से भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा कि स्मॉल डॉट्स आ जाएंगे। सो दिस कम्प्लीटली ऑब्वियस, आपको टू कलर मतलब स्मॉल और बिग साइज दोनों चाहिए या आपको सिर्फ एक ही साइज चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट आर्टिकल। आप इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन आप अपना जो भी आप चाहते हैं वो ले सकते हैं, डिजाइनिंग आप अपने आप ले सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर टीयर ड्रॉप लिया है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया, यहाँ पर मैंने थोड़ा एस कर्व में उसको दे दिया, यहाँ पर मैंने टीयर ड्रॉप लिया बट उसको टिप उसकी थोड़ी सी मैंने टर्न कर दी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्मॉल टीयर ड्रॉप बट मोर लाइक अ ट्राइंगल ले लिया था, ठीक है। अगेन द लास्ट वन इज टीयर ड्रॉप। तो आप इसमें कोई भी शेप कोई भी साइज आप जैसा मर्जी आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम डन विद दिस वर्कशॉप, ठीक है। एवरी मंथ मैं आपको 10 आर्टिकल्स सिखाती हूँ, ठीक है। सो एंड वट यू हैव टू डू, आपका जैसे ही आप आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं, सो दिस इज माई नंबर, आप ग्रुप में भी हैं, यू हैव माई पर्सनल नंबर ऑल्सो, ठीक है। आप वो आर्टिकल सबमिट कर दीजिएगा मेरे पास, ठीक है। एंड देन वंस आई विल गेट द आर्टिकल पिक्चर, फिर मैं आपको आपके सर्टिफिकेट्स, ई सर्टिफिकेट्स जो होते हैं फेविक्रिल की तरफ से, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो वी आर डन विद दिस वर्कशॉप एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड नाउ आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर सबमिशन ऑफ आर्टिकल। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर ऑल।